गाइस आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि घर में ही एक सॉफ्ट लाइट कैसे बनाएं मात्र 50 रुपए में। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। गाइस मैं रणबीर सिंह, स्वागत है आपका रणबीर प्लस चैनल में। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया कि आज हम एक सॉफ्ट लाइट बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि हम यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं या और भी कुछ लोग होते हैं जो यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं, उनके स्टूडियो में इतनी अच्छी सी लाइट नहीं होती या कुछ लाइट इफेक्ट नहीं होता, थोड़ा डार्क होता है। तो उसके लिए मैं एक आज सॉफ्ट लाइट बनाना बता रहा हूँ। ऐसे अगर आप इसको ऑनलाइन बाय करने जाएंगे तो मैक्सिमम 64,000 की या मिनिमम 24,000 की लाइट, मतलब वो बहुत महंगी पड़ सकती है। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये मात्र 50 रुपये में बताऊँगा कि आप घर में कैसे बनाएं। तो फ्रेंड्स फर्स्टली इसको बनाने के लिए आपको ये एक कार्डबोर्ड बॉक्स का थोड़ा सा कार्डबोर्ड ले लेना है। लाइक अगर आप कोई टीवी परचेज करते हैं तो उसमें भी ये कार्डबोर्ड में आता है, तो वो वाला कार्डबोर्ड यूज़ करना है आपने। तो ये आपको किराने की शॉप में फ्री में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं इसे। तो गाइज अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कार्डबोर्ड को कैसी कैसी डायमेंशनस में काटना है। तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ से जो इसकी लंबाई है इसको हम 35 सेंटीमीटर ले लेंगे। यहां से आ गया 30 सेंटीमीटर और यहीं से हम कुछ इतना ये 5 सेंटीमीटर ले लेंगे, हो गया 35, क्योंकि मेरा स्केल 30 सेंटीमीटर का है। तो इधर से हमने लेना है 15 सेंटीमीटर, कुछ इतना लंबा ये मैंने ले लिया 15 सेंटीमीटर। और ऐसे ही आपको दूसरी साइड से भी 15 सेंटीमीटर मेजर कर लेना है। तो फ्रेंड्स अब नीचे से हमने इसको कुछ ट्रेपेजियम के टाइप में काटना है। तो फ्रेंड्स ट्रेपेजियम बनाने के लिए अगर ये 35 सेंटीमीटर, तो ये हमारा 15 सेंटीमीटर था, अगर ये 35 सेंटीमीटर है तो ये भी 35 सेंटीमीटर होगा। इधर हमने 10 सेंटीमीटर का गैप छोड़ना है। अब हमें मैं बता देता हूँ इसका सेंटर कैसे आपको देखना है। तो फ्रेंड्स अगर ये 35 सेंटीमीटर है तो 35 - 10 = 25, तो 25 है। तो यहाँ भी हमने आधा छोड़ना है और यहाँ भी आधा छोड़ना है। 25 को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, यानी कि 12.5 यहाँ और 12.5 यहाँ। तो यहाँ 12.5 की मेज़रमेंट ले लेते हैं एकदम इक्वल। गज ये आ गया मेरा 12.5 इस वाली साइड, और ऐसे ही इस वाली साइड भी हमें 12.5 ले लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने मार्क कर दिया, तो जैसे हमारी कैलकुलेशन है तो यहाँ 10 सेंटीमीटर होना चाहिए बीच में। तो हाँ गाइज यहाँ बीच में 10 सेंटीमीटर का गैप है, यानी कि ये ठीक बन रहा है। अब फ्रेंड्स हमने ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट को जोड़ देना है। तो फ्रेंड्स आपको कुछ ऐसे ये पार्ट काट लेना है, ये बीच वाला। तो फ्रेंड्स जैसे ही मैंने ये बीच वाला पार्ट बनाया है तो ऐसे आपको 4 कटआउट बना लेने हैं, क्योंकि हमने 4 साइड कवर करनी है इससे। तो फ्रेंड्स मैंने इसको सीजर की हेल्प से काट लिया है एकदम एक्यूरेट। तो ऐसे ही मैंने आपको बताया कि ऐसे आपको 4 फ्लैप बना लेने हैं। मैंने ये 4 फ्लैप काट लिए हैं, ये मैं आपको बता दूँ इनकी मेज़रमेंट एकदम इक्वल है, तो आप कुछ ऐसे ही 4 फ्लैप काट लेना। तो फ्रेंड्स ये मैंने 11x11 का भी काट लिया है, तो ऐसे तो 10x10 का चाहिए था, बट कभी कम ना पड़ जाए तो इसलिए मैंने 11x11 का काट लिया है। तो ये हमने कुछ ऐसे लगा लेना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसको हमने जोड़ना कैसे है, टेप की हेल्प से या ग्लू की हेल्प से। तो फ्रेंड्स अब मैं इसको टेप की हेल्प से जोड़ लेता हूँ। आप इसको किसी भी एडहेसिव की हेल्प से जोड़ सकते हैं। तो इधर मैं ये पेपर टेप का यूज़ कर रहा हूँ, आप सेलो टेप का भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको एक बात सुना दूँ कि जब आप इसको जोड़ेंगे तो आपको एकदम ऐसे कनेक्ट करके नहीं जोड़ना है, थोड़ी सी स्पेस रहने देनी है, क्योंकि हमने इसको ऐसे कुछ बाहर की तरफ कुछ ऐसे मोड़ना है। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी स्पेस छोड़ के टेप लगा देता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी मैं इस पर टेप लगा रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि बाद में इस पर कोई एडहेसिव भी लगा लूँगा, लाइक ग्लू लगा लूँगा, ताकि इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी बढ़ जाए। और फ्रेंड्स अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स क्या कर रहे हो यार, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। साथ मैंने ये 2 जोड़ लिए हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि तीसरा कैसे जोड़ना है। आपको ये डायरेक्ट ऐसे नहीं जोड़ देना है, इसको तो हम वैसे ही तरीके से जोड़ेंगे जैसे हम जोड़ रहे थे, तो इसको मैं वैसे जोड़ लेता हूँ।
फ्रेंड्स, तो मैंने ये वाला भी जोड़ दिया है। अब ये वाला जोड़ना है तो इसको थोड़ा हमने ऐसे जोड़ना है ताकि हम इसको एक 3D शेप दे पाएँ। तो फ्रेंड्स, आप देख ही रहे होंगे कि ये कितना अच्छा लग रहा है ऐसे। तो ऐसे बनेगी हमारी लाइट। फ्रेंड्स, ऐसे तो टेप मैंने लगा लिया है, अब मैं सोच रहा हूँ कि इसकी थोड़ी स्ट्रेंथ के लिए बाहर भी थोड़े ऐसे टेप लगा लेता हूँ ताकि इसकी स्ट्रेंथ और बढ़ जाए। आप भी फ्रेंड्स ऐसे लगा लेना। तो फ्रेंड्स मैं इधर इधर भी लगा लूँगा। तो फ्रेंड्स, ये मैंने अंदर भी टेप लगा लिए चारों ओर। तो फ्रेंड्स, अगर आप टेपिंग अच्छी करते हो एकदम टाइट, तो फ्रेंड्स आपको ग्लू लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने अच्छे से टेपिंग कर ली है, तो अब मैं बताता हूँ कि आगे आपको क्या करना है। तो फ्रेंड्स, अब ये जो हमने 11x11 का काटा था, अब मैं बता देता हूँ कि इसको ऐसे सेट कर सकते हैं हम। हाँ फ्रेंड्स, मैंने एक सेंटीमीटर ज़्यादा रखा था, उसका फ़ायदा हो रहा है, कहीं से कम ज़्यादा नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये है एक होल्डर, बल्ब होल्डर, इसमें हमने एक बल्ब लगाना है। तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने सुराख करके कुछ ऐसे लगाना है अंदर की तरफ, तो इसमें सुराख कर लेंगे। मैंने इसको इसमें एडजस्ट कर लिया है कुछ ऐसे। तो फ्रेंड्स, ये ले लेते हैं फॉइल पेपर, तो हमने ये अंदर वाली साइड लगा देना है इसमें। फ्रेंड्स, मैंने इसके हिसाब से ऐसे दो पीस काट लिए हैं ताकि मैं इस पर लगा सकूं, तो आप भी कुछ ऐसे काट लेना। गाइज, मैंने यहाँ बाहर कुछ ऐसे टेपिंग कर ली है ताकि मैं इसको इधर अच्छे से सेट कर सकूं। हाँ, तो फ्रेंड्स, इसको लगाने से पहले हम यहाँ फेविकोल लगा लेंगे ताकि मैं इसको स्टिक कर सकूं। मैं स्टिक की हेल्प से इस पर ग्लू अप्लाई कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, मैं यहाँ ग्लू अप्लाई कर ले रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, फॉइल मैंने सीधा करके इस पर स्टिक करना शुरू कर दिया है। तो इस पर ये जो सिलवटें आ रही हैं ये आने दें, क्योंकि हमें एज ए रिफ्लेक्टर ही चाहिए ये। फ्रेंड्स, ये वो कार्डबोर्ड है जिस पर हमने होल्डर लगाया था, तो मैं इसको भी अच्छे से लगा रहा हूँ। तो इसमें भी हम ये होल्डर फिट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे फिट होगा इसमें, और ये जो इसका नोज़ल है ये इस पर ऐसे आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा होल्डर फिट हो चुका है इसमें। और फ्रेंड्स, ये देखो, इस पर मैंने ग्लू लगाया था, वो ग्लू भी सूख चुका है। तो फ्रेंड्स, ये है बटर पेपर, जिसको आप रोल पेपर भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले ये जो रोल पेपर है इसको हम इसके आगे ऐसे लगा लेना है, लाइक कुछ ऐसे। तो फ्रेंड्स, पहले जब ये रोल पेपर आता था तो ये थोड़े लार्ज स्केल में आता था, जिससे हम एक बार में भी लगा सकते थे। बट फ्रेंड्स, अब ये A4 साइज शीट पेपर में आ रहा है, तो बीच में हम इसके जोड़ डाल लेंगे, फिर इसको लगाएंगे। फ्रेंड्स, हो सकता है कि आपके लोकल एरिया में आपको ये थोड़ा बड़े साइज़ में मिल जाए, तो आप वो बड़े साइज़ वाला भी यूज़ कर सकते। तो फ्रेंड्स, ये देखो, मैंने शीट में जोड़ डाल के इसको चिपका लिया है टेप की हेल्प से। तो अब हम इसको यहाँ रख के कुछ ऐसे चिपका लेंगे ताकि इसके आगे आ जाए। तो फ्रेंड्स, इसको उल्टा करके हम टेप की हेल्प से इस वाली साइड को कुछ ऐसे स्टिक कर लेंगे। टेपिंग कर ली है और यहाँ मैंने इसको स्ट्रेच करके टेप किया है। ये देखो कितना स्ट्रेच है और कितना अच्छा लग रहा है ये आगे से। तो फ्रेंड्स, इसमें स्ट्रेच करके टेपिंग किया है, आप भी कुछ ऐसे ही कीजिएगा तो ये अच्छे से बन जाएगा। और ये जो हमारा बल्ब होल्डर था, तो इसको हम ऐसे लगाएंगे। तो पहले हम यहाँ बल्ब लगा के भी देख लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसको चेक करके देख लेते हैं। ओह फ्रेंड्स, जिस बात का डर था वही हुआ। ये जो इसका टॉप है, इस शीट के साथ टच कर रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से फिट नहीं हो रहा है। फ्रेंड्स, इसका इलाज भी है मेरे पास। फ्रेंड्स, अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप भी ये ट्राई कर सकते हैं। तो ये मैंने बल्ब को निकाल लिया इसमें से, तो एक और कार्डबोर्ड का पीस काट लिया मैंने, और इसको मैं बल्ब पे ऐसे फिट कर लूँगा कुछ ऐसे, और ये बल्ब हमारा ऐसे अंदर चला जाएगा। और फ्रेंड्स, ये बल्ब अंदर गिरे जा रहा है, तो इसको मैं एडिटिव की हेल्प से चिपका लूँगा। तो वो चिपका लेते हैं, और इस पर भी फॉइल लगाना है। बल्ब देखो कितना ऊपर आ चुका है, अब ये इसके साथ टच भी नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं इसके यहाँ पीछे इसको इस कार्डबोर्ड के साथ अटैच कर देता हूँ ताकि हमारा जो बल्ब है वो बार बार ऐसे यहाँ से नीचे ना गिरे। फ्रेंड्स, इसमें मैंने ग्लू का इस्तेमाल भी किया है, तो आप भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे मैंने इस पर ये शीट लगा ली है, और इसको हम ऐसे लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम किसी को भी आ सकती है, तो मैंने आपको इसका सलूशन बता दिया, आप भी कुछ ऐसे ही इसको बना सकते हैं। गाइज, मैंने इस पर यहाँ पेपर टेप लगा लिया और इसको अच्छे से इसके साथ स्टिक कर लिया है। ये देखो फ्रेंड्स, इसकी ड्यूरेबिलिटी कितना ताकतवर है ये, और एकदम अच्छे से सेट हो चुका है।
तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने पेपर टेप इसलिए लगाई है क्योंकि कल को अगर आपका ये बल्ब फ्यूज़ भी हो सकता है तो ईजिली आप यहाँ से पेपर टेप रिमूव करके बल्ब को रिप्लेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा बन के तैयार है। तो ये होल्डर है, इस पर मैंने वायर भी कनेक्ट कर दी है, तो अब इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें मैंने कनेक्ट कर दिया है। तो फ्रेंड्स मैं अंदर आ चुका हूँ, अभी थोड़ी थोड़ी लाइट आ रही है पर्दे से। अब वैसे मैंने लाइट सारी ऑफ करके रखी है। अब मैं आपको ये चेक करके दिखा देता हूँ कि इसकी कितनी ल्यूमिनेंस है, मतलब इसकी कितनी लाइट है। हाँ फ्रेंड्स ये देखिए इसकी कितनी लाइट है। फ्रेंड्स ये देखिए पूरा कमरा इससे ग्लो करने लगा। तो फ्रेंड्स अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि कुछ ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको आते रहें। क्लिप रिकॉर्ड हो रही है, ये सिर्फ इसी लाइट से हो रही है, बाकी सारी लाइट ऑफ है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना ग्लो है इसका। लाइट को मैं बता देता हूँ कि सॉफ्ट लाइट क्यों कहते हैं। तो ये देखो मैं इसको देख रहा हूँ और मेरी आंखों में बिल्कुल हार्श नहीं हो रहा, और फ्रेंड्स इस पे कोई हार्मफुल इफेक्ट भी नहीं है। और अगर आप इस लाइट को देखेंगे तो यहाँ कॉर्नर्स में भी कोई डार्कनेस नहीं है, हर साइड तक ये लाइट स्प्रेड हो रही है और ये ग्लो भी कर रही है, इसलिए फ्रेंड्स इसे सॉफ्ट लाइट कहते हैं। मतलब इसका जो स्ट्रोक होता है वो एक साइड पे ही नहीं होता, हर जगह होता है, ये स्प्रेड आउट करती है, इसलिए इसको सॉफ्ट लाइट कहते हैं। फ्रेंड्स कैसा लगा मेरा आज का वीडियो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। और फ्रेंड्स ये जो लाइट है ये मैंने 50 रुपीज़ के अंडर ही बनाई है, जिसमें मैंने एक 2-पिन प्लग लिया, एक बल्ब होल्डर लिया और ये कुछ शीट्स हैं, इसमें खर्चा आया मेरा। और फ्रेंड्स ईजिली बन सकती है ऐसे ही। तो फ्रेंड्स अगर आप इसको हैंग करना चाहते हैं तो हैंग भी कर सकते हैं, और अगर आप इसमें स्टैंड लगाना चाहते हैं या पीछे ऑफ इट्स आउन आप स्टैंड लगा सकते हैं इसमें और अपने स्टूडियो में इसका हैंग भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जो अगली वीडियो आएंगी मेरी, मैं वो इसी की हेल्प से शूट करूँगा। तो फ्रेंड्स अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।